होली के दिन चाकूबाजी कर हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या का उद्भेदन करते हुए चास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 25 मार्च को होली के दिन चास थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर कॉलोनी में अवस्थित मुस्कान हॉस्पिटल के नजदीक खिलौने की दुकान में बिहार में फायर ब्रिगेड का जवान सोनू कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका हत्यारा दीपू मिश्रा को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मोनू कुमार होली के दिन उक्त दुकान पर बियर का बोतल लेकर खड़ा था, जिससे हत्यारा दीपू मिश्रा बियर की मांग कर रहा था। इस बीच दोनों में कहासुनी हुई, जिससे दीपू मिश्रा अपना आपा खो दिया और चाकू से लगातार उसके ऊपर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल मोनू कुमार को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना पाकर त्वरित मौके पर पहुंचकर अनुसंधान में लग गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के आधार पर हत्यारे की पहचान कर ली और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी इकट्ठा करके हत्यारे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने हत्यारे को इस्पात नगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है और उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही चाकू का कवर भी बरामद किया गया। दिनांक 25/3/2024 को होली के दिन सूचना प्राप्त हुई कि चास थाना अंतर्गत मुस्कान हॉस्पिटल के समीप एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार तुरंत त्वरित चास पुलिस थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया और कांड के उद्भेदन हेतु सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्त व्यक्ति की पहचान कर ली गई। उनका नाम दीपू मिश्रा है और ये इस्पात कॉलोनी के रहने वाले हैं और इनके कन्फेशन के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू और कवर और इनके घर से आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया है। हत्या का मूल कारण है कि मृतक मोनू कुमार लौट रहे थे, इनके हाथ में एक बियर का बोतल था और बियर की बोतल की मांग करने लगे, इसी में उनके द्वारा विरोध किया गया और उनके द्वारा कॉल किया जा रहा था। इसी क्रम में अपना बचाव के लिए ये चाकू से वार करके उनको घायल कर दिए, उनको हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित किया। आरोपी का इतिहास क्या है सर? इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है, क्रम में भी पता ये मृतक को संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, पुरानी रंजन थी क्या? नहीं, कोई रंजन।